नमस्कार, नागपुर हलचल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। नागपुर जिला परिषद की 16 सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना समाप्त हो गई है और बुधवार को अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। 16 सीटों में से कांग्रेस को 9, बीजेपी को 2, एनसीपी को 3, पीडब्ल्यूडी को 1 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट मिली है। केलवाड़ जिला परिषद सर्कल से कांग्रेस की सुमित्रा मनोहर कुंभारे विजयी हुई है। इसी तरह वाकोड़ी से पार्टी के ज्योति अनिल शिरस्कर, राजोला से अरुण जीवतु हटवार, गुमथला से दिनेश बबन राव ढोले, वडोदा से अवंतिका रमेश लेकुरवाले, अरोली से योगेश नागोराव देशमुख, करम्बड़ से अर्चना दीपक भोयर, नीलमदे से संजय रामकृष्ण जगताप और कुंडा से संजय रामकृष्ण जगताप। नागपुर जिला परिषद उपचुनाव में गोदनी रेलवे ने अपनी सीटों पर जीत हासिल की है। काटोल तहसील के परसिंग जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा की मीनाक्षी सरोदे ने जीत हासिल की। यह सीट पहले राकापा के पास थी। इसी तरह सावरगांव से भाजपा के पर्वत कालबंदे विजेता है। एनसीपी की रश्मि धनराज कोटगुले और प्रवीण जोद ने क्रमशः दिग्दोह और भीषनूर सीटों से अपनी सीटें जीती हैं। दिग्दोह इसासानी में वोटों की गिनती अभी जारी है और सूत्रों के मुताबिक राकापा उम्मीदवार विजेता बनकर उभरा है। आज 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का कोविशील्ड का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा। टीकाकरण शाम के 5 बजे तक होगा। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजीकरण किया जा सकता है। इसी तरह ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को कोविशील्ड के जरिए टीकाकरण किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने दी। इसी तरह 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल कामठी रोड व स्वर्गीय प्रभाकर दत्त के मनपा महाल रोग निदान केंद्र एम्स, आइसोलेशन अस्पताल इमामबाड़ा, इंदिरा गांधी अस्पताल गांधीनगर, मनपा स्त्री अस्पताल पांच पावली और प्रगति हॉल दिघोरी में उपलब्ध है। ट्रैफिक पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,079 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,82,850 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 14 मामलों में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 10,13,058 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 9 मामलों में 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 94,125 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के बालको ताप विद्युत परियोजना में प्रदूषण अपनी सीमा लांग चुका है। यहाँ राख प्रदूषण की वजह से ऐश राखड़ बांध भर गए हैं। अतिरिक्त राख को हसदेव नदी व उसकी सहायक नदियों में बहाया जा रहा है। इससे जीवनदायिनी नदियाँ प्रदूषित हो रही है और इनके अस्तित्व पर खतरा है। इतना ही नहीं, इन ताप बिजली परियोजना की गगनचुंबी चिमनियों से निकलने वाले कार्बाइड ऑक्साइड के कण उड़कर निकटवर्ती इलाकों में फैलने से मनुष्य सहित अन्य प्राणियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर कोरबा के बालको पावर प्लांट से निकलने वाली राखड़ को हसदेव व उसकी सहायक नदियों में छोड़ा गया है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। इसके खिलाफ नागपुर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार बालको एनटीपीसी राज्य पर्यावरण मंडल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। समाज सेवी दिलेंद्र यादव ने वकील सतीश गुप्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में पावर प्लांटों से प्रतिदिन लाखों टन राखड़ के चलते हो रही परेशानियों का जिक्र किया गया है। डेंगू की रोकथाम के उपायों के तहत नागपुर महानगर पालिका द्वारा शहर में जोन स्तर पर सर्वे किया जा रहा है। हाल ही में शहर में 4,622 घरों का सर्वे किया गया। इस डेंगू रोकथाम अभियान के तहत मनपा की स्वास्थ्य टीम द्वारा डेंगू पीड़ितों के आवास के आसपास के क्षेत्र में सर्वे कर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मंगलवार को जोनल स्तर पर सर्वेक्षण के दौरान 94 घरों में डेंगू के लार्वा पाया गया।
इसके अतिरिक्त 18 बुखार के मरीज मिले। 47 लोगों के रक्त के नमूने लिए गए हैं। सर्वेक्षण के दौरान 138 घरों में लगे कूलर का निरीक्षण किया। इसमें 13 कूलरों में मच्छर पाए गए। निगम की टीम द्वारा 25 कूलर खाली कराए गए। 59 कूलरों में 1% टैमीफॉस घोल, 39 कूलरों में 2% डीफ्लुबेंजुरम टैबलेट डाले गए। साथ ही 15 कूलरों में गप्पी मछली छोड़ी गई ताकि पानी में मौजूद लार्वा का खात्मा हो सके। मनपा ने आवाहन किया है कि डेंगू रोकथाम अभियान के तहत नागरिक इस बात का ध्यान रखें कि उनके घर के आसपास अथवा क्षेत्र में कहीं मच्छर न पनपे। डेंगू से संबंधित कोई भी हल्का लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के करीब 50% तापीय बिजली परियोजनाएं कोयले के संकट की समस्या से जूझ रहे हैं और इनके पास 7 दिन से कम का भी कोयला भंडार है। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र की NTPC के बिजली घर भी शामिल है। इन बिजली घरों की कुल उत्पादन क्षमता 20,000 मेगावाट से अधिक है। केंद्रीय बिजली प्राधिकरण के 15 जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार कुल 100 कोयला आधारित बिजली घरों में से 46 के पास 7 दिन से कम का कोयला भंडार है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक NTPC कोयले का सबसे अधिक खपत करती है। कंपनी कोयले की कमी से बुरी तरह प्रभावित हुई है। NTPC के 23 बिजली घरों में 8 के पास सिर्फ 2 दिन का कोयला भंडार है। ये 8 बिजली घर है झज्जर 1500 मेगावाट, रिहंद 3000 मेगावाट, सिंगरौली 2000 मेगावाट, कोरबा 2600 मेगावाट, सीपत 2980 मेगावाट, विध्यांचल 4260 मेगावाट, सिम्हाद्री 2000 मेगावाट, रामागुंडम 2600 मेगावाट शामिल है। आंकड़ों के अनुसार कोल इंडिया से आपूर्ति कम होने की वजह से यह बिजली घर काफी प्रभावित हुए हैं। नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत अब तक 21,31,000 से अधिक नागरिकों का टीकाकरण हुआ है। सूत्रों के अनुसार कुल मिलाकर 14,24,736 नागरिकों ने टीके का पहला डोज लिया है। इनमें 46,715 स्वास्थ्य सेवक, 54,584 फ्रंटलाइन वर्कर, 45 वर्ष से अधिक आयु के 2,65,079 नागरिक, 45 वर्ष से अधिक आयु के 99,115 कोमार्बिड नागरिक, 18 वर्ष से अधिक आयु के 7,32,567 नागरिक और 60 वर्ष से अधिक आयु के 2,26,666 वरिष्ठ नागरिकों का समावेश है। वहीं कुल मिलाकर 7,07,076 नागरिकों ने टीके का दूसरा डोज लिया है। इनमें 29,065 स्वास्थ्य सेवक, 38,511 फ्रंटलाइन वर्कर, 18 प्लस आयु वर्ग के 2,18,642 नागरिक, 45 वर्ष से अधिक आयु के 2,19,822 नागरिक, 45 वर्ष से अधिक आयु के 37,673 कोमार्बिड नागरिक और 60 वर्ष से अधिक आयु के 1,63,363 वरिष्ठ नागरिकों का समावेश है। नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने हाल ही में बगैर मास्क के घूमने वाले 21 गैर जिम्मेदार नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की और उनमें से प्रत्येक से 500 रुपए के अनुसार 10,500 रुपए का जुर्माना वसूला। पिछले कुछ महीनों में मनपा की टीमों ने 40,742 नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की है और अब तक 1,87,00,000 रुपए से अधिक राशि का जुर्माना वसूला है। शहर में मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा अब भी नहीं टला है। अब भी अनेक जगहों पर नागरिक सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। शहरी हिस्सों में बगैर मास्क के नागरिक खुले आम बाजारों जैसी जगहों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जो खतरनाक साबित हो सकती है। इसके चलते उपद्रव खोजी दल द्वारा इस प्रकार के गैर जिम्मेदार नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसी हरकतों से वे खुद के तथा खुद के परिजनों के स्वास्थ्य के साथ साथ समाज और शहर के लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल रहे हैं। NDS की कार्रवाई के दौरान धर्मपेट जोन के एक नागरिक समेत सभी जोन मिलाकर 21 नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने हाल ही में नियमों का उल्लंघन करने वाले एक दुकान पर कार्रवाई की और 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला। मनपा की टीमों ने 43 प्रतिष्ठानों और मंगल कार्यालयों का निरीक्षण किया। मनपा आयुक्त राधा कृष्णन बी के निर्देशानुसार और NDS प्रमुख वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में मनपा की टीमों ने यह कार्रवाई की।
नागपुर जिले के उमरेड विधानसभा अंतर्गत कुही सर्कल में तारना पंचायत समिति में बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार देवीदास गौली भारी बहुमत से विजयी हुई। उनका स्वागत नागपुर जिला बसपा के अध्यक्ष संदीप मिश्रा, प्रदेश बसपा से सचिव उत्तम शेवड़े, उमरेड विधानसभा के अध्यक्ष पुनेश्वर मोटघरे, अभय गायकवाड़ और सैकड़ों बसपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने तारना में उनका स्वागत किया। इस अवसर पर एक विजयी रैली निकाली गई और इसमें विधानसभा से सैकड़ों बसपा कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर और डीजे में बजने वाले गानों पर आनंद व्यक्त करते हुए कई गाँवों में घूम घूम कर जश्न मनाया। इस दौरान उमरेड विधानसभा के पूर्व बसपा अध्यक्ष देवानंद उके, नागपुर के सदानंद जामगढ़े, वीरेंद्र कापसे, उमरेड से बंडू मेश्राम, राजकुमार लोखंडे, देवीदास रामटेके, एडवोकेट दिनेश बंजारी, शुभम खोबरागड़े, करण देशपांडे, प्रेम मेश्राम, गौतम वासनिक, अविनाश सहारे, तुषार वासनिक, मुनिंद्र गेडाम, सुरेश वासनिक, सचिन मेश्राम, दामोदर रामटेके आदि प्रमुख कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। नागपुर जिला के औद्योगिक ग्राम बाजार गांव में 3 अक्टूबर रविवार को नागपुर जिला वन विभाग के वन परिक्षेत्र कलमेश्वर के तहत आने वाले इस ग्राम के सह वन क्षेत्र में संयुक्त वन व्यवस्थापन समिति और ग्राम पंचायत बाजार गांव के संयुक्त तत्वावधान जिला वन विभाग द्वारा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाए जा रहे वन्य जीव सप्ताह के तहत आयोजन किया गया था। इस आयोजन के तहत कलमेश्वर वन परिक्षेत्र की वन अधिकारी अर्चना आर नौकरकर के मार्गदर्शन में बड़े पैमाने पर वृक्ष डिंडी फेरिया व बड़ी संख्या में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस आयोजन में अध्यक्ष के स्वरूप में बाजार गांव के सरपंच व संयुक्त व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तुषार चौधरी, ग्राम पंचायत सिरपुर भुयारी सरपंच गौरी शंकर गजबिये तथा ग्राम पंचायत बाजार गांव की सदस्या छाया बाजन घाटे, सिरपुर भुयारी सदस्या प्रीति कुसराम तथा बाजार गांव के नागरिक, महिलाएं, विद्यार्थी, कलमेश्वर व बाजार गांव के वन विभाग के कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वन जीव सप्ताह के उपलक्ष्य में स्कूल के विद्यार्थियों को उपस्थित मेहमानों के हाथों से पेन का वितरण किया गया। आयोजन के सफलार्थ वन रक्षक SL सोमशेट्टे, NP चनकापुरे, BS भोयर, मेंडे पाटिल, भोले धवड़, धुर्वे तथा अन्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने अथक प्रयास किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने वरिष्ठ नागरिक व शहर के पत्रकारों को कोरोना योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया। हाल ही में दत्तवाड़ी स्थित गुरुदत्त सभागृह में मनसे जिला उपाध्यक्ष योगेश चनापे ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर मनसे प्रदेश सरचिटनिस हेमंत गडकरी, जिला उपाध्यक्ष उपचिटनिस कामगार सेना गणेश मुदलियार, वाड़ी विभाग अध्यक्ष धनराज ठाकरे, पंचायत समिति सर्कल अध्यक्ष दवला मिट्टी, अमर खंडाल, तालुका उपाध्यक्ष विनोद आवारी, PK मोहनन के साथ पत्रकार विजय खौसे, गजानन तलमले मंच पर विराजमान थे। कोरोना काल में वाड़ी में पत्रकारों ने सराहनीय कार्य किया। एक पत्रकार सुनील शेट्टी की मृत्यु भी हुई। बावजूद वाड़ी के पत्रकार लगातार खबरों की अपडेट देते रहे, उसी तरह सीनियर सिटीजन ने भी कोरोना काल में जान की परवाह किए बगैर समाज सेवा की। कोरोना काल के समय कार्य करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को पुष्प गुच्छ व सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया। उसी तरह पत्रकारों को स्मृति चिन्ह व पौधा देकर नवाजा गया। पत्रकार विजय खौसे, सौरभ पाटिल, सुभाष खाकसे, गजानन तलमले, विलास माड़ेकर, दिलीप तरालेकर, नरेश कुमार चौहान को सम्मानित किया गया। वरिष्ठ नागरिकों में DD गजबिये, मान्यवर नागरिक रविन्द्र महल्ले, गुंडेराव गोमकर, अंबादास जाम्बुलकर, लीलाधर चौधरी, रामकृष्ण रागिट को सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी की यादों को ताज़ा रखने और आम लोगों को उनके जीवन से संबंधित पहलुओं को देखने के मकसद व निस्वार्थ भाव से कामटी नगर परिषद उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व गांधीवादी अफजाज अहमद अब्दुल शकूर द्वारा नागपुर स्थित देवड़िया कांग्रेस भवन में महात्मा गांधी प्रदर्शनी आयोजन किया गया। यह देश के दुर्लभ प्रदर्शनियों में से एक यह भी है, जहां गांधी जी की जेल यात्राओं से लेकर नमक आंदोलन, दांडी यात्रा, चरखे पर सूत काटते हुए बापू के चित्र, गांधी जी की ऐनक खड़ावे, बर्तन, बिछौना और पोर्टेबल चरखा भी प्रदर्शनी की शान बढ़ाया है।
यही नहीं, गांधी जी के परिवार के साथ बचपन की तस्वीरें, स्कूलिंग, स्नातक की डिग्री ग्रहण करते हुए एक तस्वीर, लंदन में वकालत की तस्वीर, जेल की तस्वीरें, गिरफ्तारियां, आंदोलन और अंतिम यात्रा की तस्वीरें आदि उनकी तस्वीर भी प्रदर्शित की गई है, जो कि अपने आप ही बहुत कुछ बयां कर रही है। प्रदर्शनी में देखने पहुंचे दर्शकों को गांधी जी के कई दुर्लभ चित्रों व वस्तुओं को देखने का मौका मिला और उनमें चर्चा का विषय भी बना कि शासन ने नागपुर जिले में म्यूजियम स्थापित करने की सोच रखते हुए संग्रहकर्ता, आयोजक व नगर परिषद उपाध्यक्ष अहफाज अहमद अब्दुल शकूर का सत्कार होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन काल के दौरान लोक कला को शाही संरक्षण दिया जाता था। उनके समय में इस कला का एक अनूठा महत्व था। यह कला बहुत फल फूल रही थी। कुल मिलाकर यह कला बहुत ही गौरवशाली थी। महाराष्ट्र संतों की भूमि है। संतों ने लोक कला की विरासत को सजाए रखा है। संतों ने भी इस लोक कला के माध्यम से समाज को प्रबुद्ध किया है और समाज को अवांछनीय मानदंडों और गलत परंपराओं से दूर करने का प्रयास किया है। लेकिन हाल ही में यह लोक कला लुप्त होती दिख रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कला लुप्त हो रही है। अतः सांस्कृतिक कार्य निदेशालय द्वारा इस लोक कला को जीवित रखने, विकसित करने एवं पोषित करने हेतु लोक कल्याणकारी योजनाओं को लोक कलाकारों तक पहुंचाने का कार्य सांस्कृतिक कार्य निदेशालय द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके लिए लोक कला अनुदान पैकेज समिति का गठन किया गया और इस समिति में विशेषज्ञ लोक कलाकारों की नियुक्ति की जाती है। उस संबंध में शाहिर अलंकार टेंभुरने को समिति में बतौर तज्ञ सदस्य चुना गया। उन्हें खेल मंत्री सुनील केदार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आदेश पर लोक कला अनुदान पैकेज समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। कृषि और किसानों की दुर्दशा सर्वविदित है। असमानी और सुल्तानी संकट ने किसानों की कमर तोड़ दी है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती लागत और फसलों पर विभिन्न रोगों, असुरक्षित बाजार मूल्य और मिट्टी की खोई हुई बनावट के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। दूसरी ओर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से होने वाली खाद्य जनित बीमारी मानव जीवन के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बन गई है। इसके स्थायी समाधान के रूप में आकाश जैव फाउंडेशन रामटेक द्वारा संचालित आमी भारतीय अभियान के तहत जैविक उर्वरक प्रबंधन और जैविक खेती पर एक कृषि संवर्धन परियोजना लागू कर रहे हैं। इसके एक भाग के रूप में उद्यमी किसान दुतियोधन कड़बे के खेत पर रामटेक तालुका के किरनापुर कचुरवाही में एक वर्मी कंपोस्ट गड्ढे भरने की गतिविधि की गई। भारतीय अभियान के मुख्य समन्वयक संशोधन कड़बे द्वारा निर्देशित हम मानते हैं कि जैविक खाद के उपयोग से कृषि और किसान समृद्ध होंगे और किसानों से जैविक खेती के साथ साथ जैविक खाद का उपयोग करने का आग्रह करेंगे। आकाश जेब के निदेशक वैभव तुरक और उद्यमी किसान शेषराज कुथे ने मार्गदर्शन प्रदान किया। आकाश जेब के सदस्य सोपक कड़बे, ज्योति कड़बे और सुधाकर नेवारे उपस्थित थे। इस साल लगातार बारिश से किसान प्रभावित हुए हैं। काटोल नरखेड तालुका में सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई है। भारी बारिश ने कपास की फसल को तने के सड़ने, कपास के पौधे हवा चलने वजह से जमीन पर गिर गए और फूलों और पत्तियों के झड़ने के भारी नुकसान हुआ है। तालुका में संतरे और मौसम्बी गलने की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। 50% संतरा और मौसम्बी की फसल बर्बाद हो गई है। उड़द और मूंग, ये दोनों फसलें पहली बारिश में ही खत्म हुई है। लगातार फसल का नुकसान होने से किसानों की हालत पहले से ही खराब हो चुकी है। साथ ही इस बारिश से हाथ में आई हुई फसल हाथ से निकल जाने की स्थिति में है। इसलिए विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ऋषभ वानखेड़े ने मांग की कि सरकार प्रभावित किसानों की तुरंत मदद करे। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने सोयाबीन के लिए 25,000 रुपए प्रति हेक्टर, कपास के लिए 30,000 रुपए प्रति हेक्टर और मौसम्बी के लिए 75,000 रुपए प्रति हेक्टर की मांग की है। सरकार के समक्ष किसानों को कर्ज से मुक्त कराने समेत कई अन्य मांगे रखी गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हिंगना तालुका के अध्यक्ष दीपक बाबूराव नासारे को हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना के कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस दौरान हेमंत गडकरी महासचिव, महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना के कार्यकारी अध्यक्ष संतोष धुरी, उपाध्यक्ष राजेश जी उज्जैनकर, केतन नाइक,
उमेश उत्खेड़े, कामगार सेना सह चिटनीस स्वप्निल चौधरी, तालुका अध्यक्ष कल्यमेश्वर व कामगार कार्यकारिणी सदस्य नंदू पोटे, उप संघटक हिंगना, विधानसभा के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। आभार व्यक्त करते हुए दीपक नासरे ने कहा कि कामगारों की समस्या जानकर उन्हें न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करने का आश्वासन दिया। इस नियुक्ति पर मित्र परिवार, कामगार और स्थानीय जनता ने दीपक नासरे का स्वागत किया। कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र के नवनियुक्त अध्यक्ष नितिन सहारे के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश महासचिव नागोराव जयकर के हस्ते जयभीम चौक कलमना रोड स्थित शेंडे कॉम्प्लेक्स में हुआ। नागपुर जिला प्रभारी नितिन सिंगाड़े, नागपुर जिला प्रभारी किशोर गेडाम, नागपुर जिला महासचिव प्रताप सूर्यवंशी, रमा नागसेन गजबिये के सहमति से कामठी शहर कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें शहर अध्यक्ष अमित भैसारे, उपाध्यक्ष संतोष यादव, महासचिव विकास जी टेम्भेकर आदि का समावेश है। कार्यक्रम के सफलतार्थ संगठन मंत्री रवि मधुमटके, कामठी मौदा विधानसभा अध्यक्ष नितिन सहारे, कोषाध्यक्ष शेषराव गेडाम, सचिव गीतेश सुखदेवे, वी सचिव दुर्वास मेश्राम, वी सचिव आनंद ढोके, कामठी शहर अध्यक्ष अमित भैसारे, महासचिव विकास टेम्भेकर, विधानसभा क्षेत्र पूर्व अध्यक्ष नागसेन गजबिये आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान देकर सहकार्य किया। आभार प्रदर्शन नागपुर जिला पूर्व सचिव मनोज रंगारी ने व्यक्त किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कामठी शहर अध्यक्ष शोएब असद ने राकापा अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय महासचिव नौशाद सिद्दीकी की प्रमुख उपस्थिति में जावेद परवेज के पीछे युवा शक्ति को देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस विद्यार्थी कामठी शहर अध्यक्ष की कमान सौंपी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस विद्यार्थी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने के बाद जावेद परवेज ने राकापा प्रदेश अध्यक्ष और नेताओं को आश्वासन दिया है कि इस पद को पूरा न्याय देंगे। इस अवसर पर तनवीर शोहरत, आकीब जावेद, अल्तमश यजदानी, सुलेमान खान, नईम ताजी समेत कई राष्ट्रवादी के कई सदस्य उपस्थित थे। नशा समाज को खोखला बना रहा है, युवा पीढ़ी इसकी गिरफ्त में तेजी से आ रही है। इससे निजात दिलाने के लिए गायत्री परिवार की ओर से गायत्री स्वास्थ्य उपवन में प्रतिदिन स्वास्थ्य लाभ लेने वाले नागरिकों तथा रसाहार, योग, योग्योपैथी, एक्यूप्रेशर के गायत्री परिजनों द्वारा नशा भारत छोड़ो अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत व्यसन मुक्ति चित्र प्रदर्शन एवं व्यसन मुक्ति गीत के माध्यम से व्यसन मुक्ति जन जागृति की गई। उपस्थित लोगों द्वारा जीवन भर नशा न करने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर बीड़ी पीकर खास रहा है, मौत के आगे नाच रहा है, गुटखा बीड़ी मौत की सीढ़ी आदि स्लोगन सभी ने दोहराए। कार्यक्रम के सफलतार्थ गायत्री परिजनों ने सहयोग किया। तो नागपुर हलचल में आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।